डॉक्टर सप्तर्षि घोष हूँ। मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ होप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जोटियाकली मोड़ फुलबाड़ी शिलीगुड़ी। तो हम लोग आज लंग कैंसर का सिस्टमिक ट्रीटमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। लंग कैंसर सबसे इम्पॉर्टेंटली बायोप्सी होना चाहिए और बायोप्सी के साथ साथ इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री करके हम लोग को देखना चाहिए किस टाइप का लंग कैंसर है। अभी बहुत सारा ऑप्शंस है ट्रीटमेंट में, जैसे कि एडिनोकार्सिनोमा या स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में अगर आईएचसी के बाद आता है तो हम लोग एनजीएस टेस्टिंग में भेजते हैं और उसमें कुछ म्यूटेशंस देखा जाता है। अगर म्यूटेशन कुछ पॉजिटिव आता है जैसे ईजीएफआर, मेट, रेट, एनटीआरके और एल्क, ये सब म्यूटेशंस होते हैं, तो ये अगर पॉजिटिव आते हैं तो एक ओरल टैबलेट से भी काम बन सकता है। तो बहुत अच्छा रिजल्ट आते हैं हम लोग के पेशेंट्स में, हम लोग देखे हैं कि ये ओरल टैबलेट्स में भी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है एंड पेशेंट्स आर रियली थैंकफुल, गेट रियली थैंकफुल फॉर दैट, कि केमो बिना केमो का भी ये एक ट्रीटमेंट ऑप्शन रहता है। और जो जो पेशेंट्स में ये म्यूटेशंस नहीं रहते हैं उनमें PD-L1 टेस्टिंग करते हैं। PD-L1 टेस्टिंग अगर पॉजिटिव होता है तो इम्यूनोथेरेपी इंजेक्शंस दिया जाता है। इम्यूनोथेरेपी कीमोथेरेपी के साथ भी दिया जा सकता है। कभी कभी अगर बहुत हाई PD-L1 है मोर देन 50% तो इम्यूनोथेरेपी, सिर्फ इम्यूनोथेरेपी का साइड इफेक्ट्स थोड़ा सा अलग रहता है कीमोथेरेपी से। यहाँ पे उल्टी या बाल झड़ना ये सब साइड इफेक्ट्स नहीं होता है। इन्फेक्शन का रिस्क नहीं रहता है वैसे इंक्रीज्ड कीमोथेरेपी के जैसा। तो इसमें क्या साइड इफेक्ट्स होता है जैसे कि स्किन रैश हो सकता है, डायरिया हो सकता है, थोड़ा सा टायर्डनेस लग सकता है, कभी कभी एंडोक्रिनोपैथिस भी होता है जो कि इम्यूनोथेरेपी रिलेटेड साइड इफेक्ट्स है। जनरली इम्यूनोथेरेपी बहुत वेल टॉलरेटेड ट्रीटमेंट है एंड बहुत अच्छे से यहाँ पे हम लोग इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट्स देते हैं हम लोग के पेशेंट्स में। अभी मंथली ऑलमोस्ट 20-30 पेशेंट्स का इम्यूनोथेरेपी ट्रीटमेंट चल रहा है यहाँ पे। तो मैं आपको सबको बोलूँगा कि लाइक लंग कैंसर ट्रीटमेंट अब लास्ट 10 साल में बहुत चेंजेस आया है एंड एवरी पेशेंट इज़ अ डिफरेंट पेशेंट, डिफरेंट इंडिविजुअल एंड सबका ट्रीटमेंट सेम नहीं रहता है। हर एक पेशेंट का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है। तो ये एक क्लिनिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही बता पाते हैं या कोई ऑन्कोलॉजिस्ट ही बता पाएंगे कि कैसे क्या आगे जाना चाहिए। तो आप लोग मतलब ज़रूर ये देखिएगा कि ये म्यूटेशन टेस्टिंग वगैरह सब हो और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट दिया जाए। थैंक यू। नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रेयोशी सरकार, कंसल्टेंट ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट एंड हेड ऑफ द डिपार्टमेंट होप एंड हिल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर जोटियाकली फुलबाड़ी में। अच्छा, आज जो जिस टॉपिक को लेके हम लोग डिस्कस करेंगे वो होगा लंग कैंसर। लंग कैंसर में हम लोग का क्या क्या ट्रीटमेंट के लिए कौन सा टेस्ट कराना ज़रूरी है और क्या क्या टेस्ट करने से हम लोग को एग्जैक्ट डायग्नोसिस मिल सकता है ताकि कोई भी क्लिनिशियन एक प्रॉपर ट्रीटमेंट कर सके। पहला होगा कि लंग कैंसर कितने टाइप में होता है। एक होता है नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर और दूसरा होता है स्मॉल सेल। ये जो नॉन स्मॉल सेल होता है ये ज़्यादातर कॉमन होता है, करीबन लगा लीजिए 85% केसेस में हम लोग यही देखते हैं। और दूसरा होता है स्मॉल सेल। स्मॉल सेल बहुत एग्रेसिव ट्यूमर होता है, बहुत रैपिड ग्रो करते हैं और वो बहुत जगह फैलता है ज़्यादा कंपेयर टू द नॉन स्मॉल सेल। नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर को भी हम लोग दो भाग में डिवाइड कर लेते हैं। एक होता है स्क्वामस सेल कार्सिनोमास और दूसरा होता है एडिनोकार्सिनोमा। तो क्योंकि मैं एक ऑन्कोपैथोलॉजिस्ट हूँ, हम लोग का काम होता है कि पहले तो हम लोग अच्छे से देख लेते हैं कि बायोप्सी कहाँ से लिया गया है। पोजिशन ऑफ द ट्यूमर इज ऑल्सो हेल्पफुल, मतलब हेल्प होता है हम लोग को बोलने के लिए कि ट्यूमर क्या टाइप का कैंसर हो सकता है। तो पहले हम लोग ये देख के, हम लोग जब स्लाइड बनता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये नॉन स्मॉल सेल है या स्मॉल सेल है। अगर नॉन स्मॉल सेल है तो ये कौन सा टाइप का नॉन स्मॉल सेल है, एडिनोकार्सिनोमा है कि स्क्वामस सेल कार्सिनोमा है। ये सब के लिए जो तो बहुत इंपॉर्टेंट जो टेस्ट होता है वो होता है बायोप्सी। FNAC आजकल के ज़माने में उतना कन्फर्मेटरी टेस्ट नहीं है, तो मैं ज़रूर सबको बोलूँगी कि एक बायोप्सी करवाइए और वो भी एक स्पेशलाइज्ड प्लेस से, कोई भी कैंसर हॉस्पिटल वो बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट प्लेस होता है क्योंकि वहाँ पे आपको राइट ट्रीटमेंट एंड गाइडलाइंस से फॉलो होता है सब बायोप्सी प्रोसीड्योर्स। इसीलिए आपको बायोप्सी करवाने के बाद जो स्पेशल टेस्ट होता है वो भी हम लोग यहीं पर करते हैं इन हाउस, उसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। वो एक खास तरह की टेस्ट होता है जिससे हमको पता चलता है कि पेशेंट को क्या टाइप का नॉन स्मॉल सेल कैंसर है।
तो हम लोग के यहाँ पे करीबन 90 से ऊपर प्रतिशत हम लोग का कैंसर मार्कर है, जहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि ट्यूमर स्क्वामस सेल है कि एडिनोकार्सिनोमा है। P40 बोल के एक मार्कर आता है जो हमको अगर पॉजिटिव दिखता है स्लाइड में तो हम उसको स्क्वामस सेल कार्सिनोमा बोलते हैं, और TTF1 बोल के एक मार्कर आता है, अगर वो पॉजिटिव आता है तो हम लोग बोलते हैं एडिनोकार्सिनोमा। इसी तरह से CK7, CK20 बोल के और भी मार्कर्स है जो हम लोग को रूल आउट करने में हेल्प करते हैं कि वो लंग से है या कहीं और से है। तो हम लोग को लंग में ज़्यादातर यूरोएंडोक्रिन कार्सिनोमास ही दिखते हैं, जिसमें हम लोग को स्मॉल सेल या लार्ज सेल दिखते हैं। तो स्मॉल सेल में हम लोग को बहुत तरीके से बैड ट्यूमर लुकिंग सेल्स दिखता है, जहाँ पर हम लोग को एक बहुत प्रोलिफरेशन रेट होता है, जो ट्यूमर का बढ़ने में जो रेट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइटोटिक काउंट। उसके अनुसार से हम लोग उसको ग्रेडिंग करते हैं कि ट्यूमर कितना ग्रेड पे है। तो इसके लिए जो मार्कर ज़रूरी है वो है साइनाप्टोफाइसिन, क्रोमोग्रेनिन, TTF1, Ki67, CK7 एंड प्लेन CK। ये सब मार्कर्स ओपन हिल कैंसर हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर में अवेलेबल है। कोई भी पेशेंट अगर एक दिन में बायोप्सी करता है तो हम लोग 3 से 4 दिन में कोशिश करते हैं कि पूरा इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के साथ उसको रिपोर्ट डिलीवर करें, ताकि पेशेंट का ट्रीटमेंट बहुत जल्दी शुरू हो सके और पेशेंट एकदम जल्दी ठीक हो सके। तो मैं आप लोग को सबको बोलूँगी कि FNAC इज़ नॉट द कॉन्फर्मेटरी टेस्ट, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर अ बायोप्सी एंड दैट टू ऑल्सो फ्रॉम अ रेप्यूटेड कैंसर हॉस्पिटल हु हैज़ फॉलो द गाइडलाइंस ऑफ ऑल द प्रोसीड्योर्स एंड द फॉलोइंग दिस डायग्नोस्टिक प्रोसीड्योर्स, जो हम लोग को हेल्प करेंगे डायग्नोसिस के लिए। थैंक यू।